हाँ बोल, वहीं से बोल। चमन कुछ बोल रहा है, चमन कुछ बोल रहा है, साइलेंट। कैसे थे? अच्छे थे, चाहे कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो तुमको लगता है। अच्छा ही मांगते थे, बोलो। डरा ही मत, बोल रहा है। पंखा बंद हो रहा है, बोल रहा है। बोलो। सैंडी सर अच्छा इंसान है। ठीक है ठीक है ठीक है, सुन रहे हैं। अच्छा थे। और खर्चा नहीं करते थे। थोड़ा ठीक लगा। अच्छा इंसान, मदद कर रहा है। जा रहे हैं भैया, तो हम लोग याद रखिएगा, बोल मत जाइएगा। फोन करेगा तो भाई उठा लीजिएगा एक बार, ठीक है ना? भाई जरूरत तो पड़ेगा, आगे जरूरतमंद आदमी है हमेशा। अभी बता रहे जो भी यहाँ से छोड़ के गया है, अभी भी हमसे कॉन्टेक्ट कर। ऐसा कोई नहीं कि जो नहीं करता, एक तो खाली अमर पाल है, तो इनका देखिएगा जो मतलब रिस्पांस नहीं करता जल्दी। इनका फोन साइलेंट नहीं रहता, फोन कभी भी साइलेंट नहीं रहता। कभी फोन आता है तो काम पर साइलेंट नंबर होता है, इसीलिए समझ आइए कि कितना पुराना डीसी है। जो भी दीपक दीपक दास है, हमको लगता है जाने के बाद मेरे पास कम से कम चार बार कॉल किया है, दो चार पाँच बार कॉल किया हम लोग। ठीक है, लास्ट में क्या बोले, क्या बोले? बहुत कुछ बोले, अल्लाह इंतजाम देखा। तुमको हमेशा टाइम भी करेक्शन करके देते रहते कि कहाँ है। पहले सैंडी जी को पूछना चाहते हैं कि मेरा में डीमेरिट बताइए, उसको सुधार करेंगे। नहीं, तुम्हारा डीमेरिट बहुत सुधार हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा जो है ना सुधार एक लाना चाहिए। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा एक ही बार सब कुछ सीख जाए, कल हो कुछ और भी सीखना पड़ सकता है, परसों कुछ और। तब से सीखो, जूनियर से भी सीखो और सीनियर से भी सीखो। बहुत कुछ ऐसा नॉलेज है जो ऋतिक के पास है, हम लोग के पास नहीं है। तो ऋतिक से भी सीखना कोई बुराई नहीं है, वसी के पास भी है जो हम लोग के पास नहीं है, उससे भी सीख सकते हैं। भारती में बहुत सारा क्वालिटी है जो उससे निकालना होगा तुम्हें, कौन सा क्वालिटी है वो भी सीख सकता हूँ। खराब वाला उसको बोलो कि तुम सुधार लो भाई, बाकी जो अच्छा वो सीखो। बाकी सर में बहुत अच्छा क्वालिटी है, ठीक है तुम। हाँ, सैंडी भैया को इस लोकेशन का जो डुरंडा है, अब धनबाद का कुछ लोकेशन पकड़ना होगा। ऐसे ही हंसमुख रही और क्या। हाँ बोलो, वो भारती भारती जी, सैंडी जी में सबसे सबसे पहला खासियत है ना कि उनका एक्सप्रेशन हमेशा रहता है बना हुआ, हमेशा स्माइल करते रहते, कभी भी टेंशन नहीं लेते, और हर काम को ना बहुत इजीली ढंग से करते हैं। मतलब कभी भी जैसे हम लोग अचानक से हड़बड़ा जाएंगे, वो हमेशा पेशेंस रख के बहुत अच्छा से किसी कोई भी काम को कम्प्लीटली करते हैं। और तीसरी बात कि जो हमको रूम पार्टनर झेल सकता है वो इंसान बहुत बड़ा बहुत सारा खासियत है जो कि आप लोग सबको जानते हैं, सबको बोल दिया अपना कलम के जरिए। लेकिन इनमें और भी खासियत है कि एक एक छोटा सा मतलब सबसे गार्जियन के रूप में अभी भी परिवार में यही है और यहीं से सब कुछ हैंडल करते हैं। हमको पता है कि परिवार से दूर रह के, अपने बच्चों से दूर रह के किस तरह से लोग काम करते हैं,
वो उनके उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ। तो कुल मिला के वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करते हैं, तो ऑल ओवर इज गुड पर्सन। जैसे कि सबका हेल्प करते हैं सर, मेरा भी बहुत हेल्प किया है, आप करते भी हैं बहुत सारा चीज़। जैसे मेरे को तबियत खराब हुआ तो मेरे को ये लोग ये लोग कर, अब इनके वजह से हम थोड़ा फिट, बहुत ज़्यादा फिट, अभी तो चल फिर भी पाते हैं, दवा भी ये करो वो करो ऐसा करो, उसी के चलते आज हम छुट्टी बहुत हो जाता था सर मेरा, अब ठीक हो गया। अब आपका घर से छुट्टी का दिक्कत नहीं है। चंद्र जी बोले अपना दे चुके। हाँ ठीक है, मेरा कहना यही है, पहले तो बात बोलते हैं तो पहुँच जाता है, लेकिन ये बंधन बनना चाहिए, शायद हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं कि इनको कोई निशानी लगी, फिर काम करते इनसे जो भी मिलता छीन छान के जहाँ जाइएगा ना वहाँ पुरुष वाला कॉन्सेप्ट कंटिन्यू दिखेगा, आप में भी फिजिकली नहीं कीजिएगा, वहाँ पर जो भी लड़का आपका डाउनलाइन डाउनलाइन में जाएगा उसको बोलेगा पुरुष का व्याख्या हम लोग करते हैं, पुरुष का दो व्याख्या है, जो सब पढ़ा है वो है, एक हम लोग क्रिएट दूसरा चीज वहाँ तो आप अपने घर से आना जाना सीखेंगे फिलहाल नहीं, लेकिन बाद में खाना बना के भेजेंगे मटन वो खाली। अच्छा आप मटन का चरबूज चरबूज चुस्ता चरबूज छोड़िए, खाना तो मटन खाइए उसका चुस्ता मिल जाता है, चुस्ता मैंने चुस्त हो जाता है, चुस्त हो जाता है काफ़ी टेस्टी। और जब हम यहाँ पे आए थे तो तुलसी कोई नहीं, अरे आप पार्टी में चिकन कौन बनाएगा, हम जब आए थे तब वहाँ पे राजीव जी थे, जो भी थे हमको बोला गया था उनको रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट हम रिपोर्ट किए थे बट हेल्प हमको किया देखे हमकी फैमिली ने सेकंड शिफ्ट में हमको बस भी बढ़ा देते हैं, मेरे साथ भी बदल नहीं था वो लोग भी हेल्पफुल था, बट फैमिली भी देखते थे कि ओवरऑल सब काम करते थे ठीक है, नो डाउट फिर जल्दी जब मैं गाड़ी मीटिंग करते थे इनसे बहुत कुछ सीखे जो हमको बताया, और अभी तो हम लोग साथ में हैं ठीक है, जाने से पहले इसी बता दीजिए गुरुद्वारा अभी तक पुष्टि किया है फिलहाल उस दिन दो लड़का थे हमारे पिता अभी तो ऑलरेडी हम अच्छा हैं, तो अभी तो जो आएगा उसका डिसाइड कीजिए, आएगी तो और अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, जो काम है ना लड़की की वजह से हम देखते हैं कहीं भी लड़की इम्प्लॉयर होती है ना बहुत अच्छा काम। अच्छा हाँ इनका क्वेश्चन मेरा भी है, ऐसा क्या है जो हमको इम्प्रूव करना चाहिए, आपका भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, आपको टीम हैंडलिंग बहुत अच्छा हम देखे हम मतलब लिमिट नहीं रहा, लिमिट तो क्लियर रहा पाकिस्तान वाले आप कितने ही नहीं, हाँ तो वही बोल रहे हैं जो एज में हम लोग है ना विकास भी आते दूध पैक के बाद आरएम बन जाते अच्छा पुरुष है बोल रहे बोल के मतलब
भाई जब मैं फर्स्ट टाइम पे आया था मुझे ऐसा लगता था कि शायद अभी तक कुछ जानते नहीं है पर इनके बारे में सुना था कुछ काफ़ी अच्छा मालूम रखते हैं और धीरे जो है कि इनसे कुछ कुछ बहुत कुछ सीखा इनसे और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जो कि कुछ वो बोले तो बोले कि नहीं आता है हर काम को क्वालिटी के उसके साथ करते थे और काफ़ी कभी ऐसा होता है ये होता है सीखा आगे भी सीखने का ये रखते हैं ठीक है जहाँ भी जाए मस्त रहे दोस्त मानो जी की तरफ से कुछ संदेश सबसे ज्यादा हो गया कितना साल से काम कर रहा हूँ 3 साल 4 महीने 3 महीने का है बहुत अच्छा दिखा चाहे अशोक नगर हुआ या हरगोड़ा चौक भी हुआ या फिर रामपुर में या फिर डीसी में कहीं भी आपको आना जाना नहीं किया बहुत जगह अच्छा रहा दुख तो लग रहा है जाने का पर क्या कर सकते हैं आदमी तो आगे बढ़ना भी है खुशी भी है बस नहीं वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि आप सोचिए उनको 5:30 बजे खड़ा करवा देते हैं फिर 5:30 बजे में अरगोड़ा में कि बोलते थे कि मनोज को बोलते आता नहीं 5 बजे से खड़ा रहते हैं पर आते आते आप लोग का 6:30 होता है तो डिस्टेंस से ज़्यादा होता है आपका ऐसे क्वेश्चन है ठंडा के समय इमोशनल हो गए मनोज भैया इमोशनल हो गए हाँ विकास भैया तो हमको अचानक से बड़ा ना गया था मतलब अचानक से हमको इसमें गैस का लेना हमको सीख ही रहे थे चेंजिंग आया ऐसा तो ले लेते थे लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग आया मतलब एक्सेल को ये सरल बनाया वहाँ पर ब्रह्मा लगाया उनको सिखाया तो हमको थोड़ा सा आसानी हुआ और उसको उन्होंने बोलाया लिंकर को काम किया पीसी के लिए मनोज था ही होने के लिए और हमको बेनिफिट ये होता था कि हम पीसी भी करते थे और गैस बंद भी देते दोनों में हम लोग मजा आया मॉर्निंग भी करते थे और सभी सब बहुत सारा सीखने तो बस बहुत सीखने को मिला और ऐसे ऐसा सब बोला कि हंसमुख इंसान है ही है और होना भी चाहिए हमारे किसी में ऐसा हंसने से यह होता है कि जो काम करते हैं काम करते हैं फैमिली से ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देते घर में क्या जाते हैं खाते हैं सो जाते हैं सुबह यही आना है तो अच्छा लगता है और अकेले कोई कोई काम नहीं कर सकता डिस्ट्रिक्ट में टीम वर्क ही है वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो मिलकर काम करने का पूरी काम छोटा हो जल्दी है सही बात टीम वर्क बहुत बड़ा एक चीज़ बोले तो सब बोला पार्टी जी बोले कि सर्टिफिकेट वाले में सब काम बन गया तो बड़ा बड़ा बात में बोले में बहुत कहीं हम भी सुने थे तो बोला था कि अच्छा इंसान कौन है तो किसी का जवाब आया था कि अच्छा इंसान वही है कि जिसका ड्राइवर पुराना हो और इसका घर में नौकर पुराना अमित जी अब बोलने वाले हैं इनका हिस्सा है ये कि अमित जी और सैंडी जी अक्सर पिज्जा खाते हैं कावेरी होटल में पाए जाते हैं आज आप सबसे पहला जब हम आए थे डीसी में अशोक नगर में तो सबसे पहला इंटरेक्शन मेरा सैंडी जी के साथ अमरपाल के साथ दो लोग मेरे से बहुत अच्छा वेलकमिंग किया था मेरा बहुत अच्छा लगा था मेरा नंबर आगे आके नंबर लिए थे ये इंसान अच्छा लगा था और झूठ तो बोलते हैं बट ज़्यादा नहीं बोलते हैं इंसान का रहा है तो दिल का अच्छा ब्लैक शाहरुख खान हमेशा रहेंगे मेरे लिए
खाने पीने का कम ध्यान दीजिएगा, पेट भी खराब रहता है क्योंकि खाते पीते रहते और सब लोग तो इनका सब कुछ बताइए दिया डिस्क्राइब कर दिए करी दिया इनके बारे में फीचर्स को, हेल्थी तो है ही ऑब्वियसली। वीक ऑफ में हमेशा मैनेज करो,